तो अभी मोबाइल से प्रिंट करने के लिए आपको कैनन का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर आप एंड्रॉयड के यूज़र हो तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप एप्पल यूज़ करते हो तो आप आईओएस स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जो प्ले स्टोर है उसे ओपन करता हूँ। ये मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा सा ख़राब हो चुका है तो यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर ऊपर आपको अभी टाइप करना है कैनन प्रिंट ऐप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैनन प्रिंट ऐप, टाइप कीजिए और ओपन कीजिए। तो जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पर देखिए आपका जो ऐप है वो आ चुका है, कैनन प्रिंट इंकजेट, या फिर इसे आप सेल्फी ऐप भी कह सकते हो, SELPHY। तो अब आपको क्या करना है, इसे बस इंस्टॉल करना है। तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो ये लगभग इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद इसे आपको ओपन करना है। तो ऐप का नाम जो है वो याद रख लीजिए, कैनन प्रिंट इंकजेट /सेल्फी ऐप। इसे आप एप्पल स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से दोनों जगह पर डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप इसे ओपन कीजिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इंस्टॉल होने देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो जो एप्लीकेशन है कैनन प्रिंट इंकजेट /सेल्फी ऐप वो डाउनलोड हो चुका है। लेकिन इसे ओपन करने से पहले आपको तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके फ़ोन का मोबाइल डेटा ऑन है तो उसे ऑफ़ कर दीजिए, और अगर किसी दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है तो वाईफाई को भी आप ऑफ़ कर दीजिए। तो दोनों ही आपका ऑफ़ रहना चाहिए, मोबाइल डेटा और आपका मोबाइल का वाईफाई। फिर दूसरा है, आपको आपके प्रिंटर को ऑन करना होगा। तो देखिए हम प्रिंटर को जो है ऑन कर लेते हैं। तो ये ऑन हो चुका है, थोड़े समय के लिए वेट कीजिए, मैं तब तक फ़ोन को थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ। अब दूसरी चीज़ है, ये एक नॉर्मल प्रिंट बस निकल गया और कुछ नहीं, सिंपल खाली सा प्रिंट। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका जो वायरलेस का बटन आप देख रहे हो उसे आपको कुछ समय के लिए प्रेस करना होगा। तो आप इसे कुछ समय के लिए प्रेस कीजिए और छोड़ दीजिए। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका एक वायरलेस का जो लाइट है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंटर का वाईफाई है वो ऑन हो चुका है। अब उसे कनेक्ट करना होगा आपके मोबाइल के साथ। तो अभी फ़ोन को लीजिए और जो ऐप है उसे ओपन कीजिए। यूज़र एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, एग्री एग्री, और जो भी परमिशन वो मांग रहा है उसे ओके कर लीजिए। और उसके बाद देखिए यहां पर तुरंत ही आपका आ गया, वाईफाई इज डिजेबल्ड ऑन योर स्मार्टफोन, एनेबल वाईफाई, क्योंकि हमने वाईफाई बंद कर दिया था। अब आप क्या कीजिएगा, ओके क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे यहां पर वाईफाई को आपको ऑन करना होगा। ये ऑटोमेटिकली आपका जो प्रिंटर का वाईफाई है उसे डिटेक्ट कर लेगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहां पर ये पासवर्ड के लिए आपको पूछेगा। अब पासवर्ड इसका क्या है वो मैं आपको बताता हूं, मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूं। प्रिंटर को आप लीजिए, पीछे कीजिए, यहां पर देखिए आपका एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है, AGKM06063। तो यह है इस प्रिंटर का पासवर्ड। सिमिलरली आपका सीरियल नंबर वहां पर कुछ अलग रहेगा। तो या इस ये जो पासवर्ड यहां पर दिया गया है इसे अभी आपको टाइप करना होगा। तो मैं टाइप कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप पासवर्ड जो है उसे टाइप कर लीजिए, ए जी, थोड़ा सा फिर से देख लेता हूँ, के एम, तो ये पासवर्ड हमने टाइप कर लिया। तो देखिए मैं शो कर देता हूँ, AGKM06063। तो इसे अभी हम ओके करते हैं। तो जैसे ही आप ओके करोगे देखिए ये आपका अभी कनेक्टेड हो चुका है। तो अब आप बैक कीजिए और आपका जो ऐप है वो आ चुका है। यहाँ पर अभी क्या कीजिएगा, सर्च क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप सर्च क्लिक करोगे ये थोड़ा सा आपको वेट करने के लिए कहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है प्लीज़ वेट मोमेंटरली। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद देखिए इट मे टेक अप टू 2 मिनट्स टू ऐड योर प्रिंटर। तो ये ऑटोमेटिकली अभी आपके प्रिंटर को ऐप के साथ ऐड कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऐड हो चुका है। यहाँ पर कोशिश करता हूँ दिखा पाऊँ, तो देखिए यहाँ पर लिखा है MG 3000 सीरीज़। तो अभी हम इसे यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए आपका डिटेक्ट हो चुका है MG 3000 सीरीज़। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रिंटर है वो आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड हो चुका है। तो अब हम इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पर
क्लोज कर लीजिए, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके क्लिक कर लीजिए, डन। आपका जो हर एक चीज़ है वो सेटअप हो चुका है। तो मैं इसे थोड़ा सा बैक करता हूँ, और अब कैसे प्रिंट करेंगे वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। तो यहाँ पर जो वाईफाई का लाइट था वो देखिए बंद हो चुका है, और जो डायरेक्ट लाइट है वो ग्लो हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये प्रिंटर अभी डायरेक्टली आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड हो गया है। अब आप क्या कीजिएगा, बस पेपर्स लीजिए, इनपुट ट्रे में डालिए और आउटपुट ट्रे को थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर ऐप में आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, फोटो प्रिंट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। तो अब हम फोटो प्रिंट करते हैं। मेरे पास कुछ फोटोज़ हैं, तो हम अभी मेरे पास एक प्रिंटर का फोटो है, तो उसे मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा, देखिए यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली जो स्पेसिफिकेशन है वो सिलेक्ट हो गया। अगर आपको चेंज करना है तो आप इसे यहाँ पर नो क्लिक कीजिए। प्रिंट के साइड में एक और बटन है, उसे बस क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो मैं A4 साइज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं प्लेन पेपर सिलेक्ट करता हूँ, कलर मोड ही रहने देते हैं, बैक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो गया। सिलेक्टेड, डू यू वॉन्ट टू चेक ऑनलाइन मैनुअल, यहाँ पर नो कीजिए, और यहाँ पर जो प्रिंट है उसे बस क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपका जो प्रिंटिंग है वो शुरू हो चुका है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा पीछे कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो देखिए ये यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी स्पूलिंग हो रहा है, और तुरंत ही आपका प्रिंट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस आप अपने फ़ोन को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो प्रिंटर के साथ, और प्रिंट कर सकते हो। पासवर्ड अगर वो आपको प्रॉम्प्ट करता है तो पीछे जो सीरियल नंबर दिया गया है वही आपका पासवर्ड है। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि वायरलेसली पहला प्रिंट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो देखिए प्रिंटिंग आपका शुरू हो चुका है, क्योंकि पहला कनेक्शन है, पहला प्रिंट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहा। इसके बाद जो भी आप प्रिंट करोगे वो आपका बहुत ही जल्दी जल्दी से निकल जाएगा। अब ये जो मैं फोटो प्रिंट कर रहा हूँ ये इसी प्रिंटर का है जो मैंने अभी फोटो उठाया था। तो इस तरह से आप ब्लैक एंड व्हाइट भी क्लिक कर सकते हो, बस कलर की जगह आप ब्लैक वहां पर सिलेक्ट कीजिए और प्रिंट कर दीजिए। तो गाइज जैसा आप देख सकते हो हमारा जो प्रिंटआउट है वो निकल चुका है, और यहाँ पर प्रिंट स्टेटस भी आपका प्रिंटिंग इज कंप्लीटेड आ गया। तो इस तरह से गाइज आप किसी भी फोटो वगैरह को प्रिंट कर सकते हो, या डॉक्यूमेंट वगैरह को भी प्रिंट कर सकते हो अपने फ़ोन के थ्रू। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।